नमस्कार मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत कुंभेश्वर महादेवला। कुंभेश्वराला यायचे झाले तर वडोदरापासून 67 किलोमीटर, डबोईपासून 35 किलोमीटर, पोयच्यापासून 8 किलोमीटर व गुजरात वानरियापासून 2 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। हे मंदिर आहे, ते शनि महाराजाचं टेम्पल आहे, तिकडे जाणार आहोत आपण। कुंभेश्वर तीर्थाला ब्रह्मेश्वर महादेव पण म्हटले जाते, कारण ब्रह्मदेवाने तपश्चर्याने येथे महादेवास प्रकट केले होते व मार्कंड ऋषींनी जेव्हा तपश्चर्याने महादेवास प्रकट केले तेव्हापासून यास कुंभेश्वर महादेव म्हटले जाते। हे कुंभेश्वर महादेवाची पिंड स्वयंभू पिंड आहे। या स्वयंभू महादेवाच्या दर्शनाने नाशिकच्या एका कुंभाचे फळ मिळते असे म्हटले जाते। कुंभेश्वर मध्ये केलेल्या एका स्नानाने 1000 वर्ष काशीला राहायचे फळ मिळते। असं महादेवाचं मंदिर आहे। आता आपण शनी मंदिर मध्ये जाऊया। श्रावण महिन्यातील शनिवारी दर्शनाचा व पूजा अभिषेक करण्याचा येथे खूप मोठे महत्व आहे, कारण या ठिकाणी शनिदेवाने आपला क्रोध शांत करण्यासाठी प्रकट झाले होते। आपल्याबरोबर एक ग्रहस्थ आहे, ते थोडीशी आपल्याला माहिती सांगतायत, तर आपण ती जाणून घेऊया। हाँ नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तपोधन विजय कुमार जयंतीलाल भट्ट। ओके, और इसके बारे में अभी थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए किस तरीके के है, क्या होता है? ये शनिदेव है, इस जगह पर शनिदेव ने स्वयं 5000 साल तपस्या की है। यहाँ पर शनिदेव को शांति मिली, यहाँ शनिदेव शांत हो गए नर्मदा किनारे पे। नीचे छोटा बड़ा पनौती माता है, 28 साल छोटा पनौती, 17 साल बड़ा पनौती। ये शनिदेव का शक्ति स्वरूप है। तपस्या शनिदेव ने क्यों किया? तो शिवजी ने शनिदेव को कार्य सौंपा था पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग लोक पर। कोई पर जीव है उसका पाप पुण्य का हिसाब शनिदेव को करने का। अच्छा, ये सब पाप पुण्य का हिसाब का कार्य करते करते शनिदेव को क्रोध हो गया। तो क्रोध की शांति के लिए शनिदेव उसके गुरुजी बृहस्पति के पास गए और उसके गुरुजी बृहस्पति को प्रार्थना किया कि गुरुजी, ये जो शिवजी ने मेरे को कार्य सौंपा है पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग लोक पर, जो भी कोई जीव है उसका पाप पुण्य का हिसाब करने का, अब ये सब कार्य करते करते मेरे को क्रोध हो गया, तो आप कृपा करके मेरे को कोई ऐसा उपाय बताया जिससे मेरे को शांति मिले। फिर उसके गुरुजी बृहस्पति ने बोला कि ये कार्य आपको शिवजी ने सौंपा है तो आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। शिवजी किसी को भी कोई वरदान देते या कोई भी कार्य सौंपते हैं तो उसके पीछे उसका रास्ता रखते हैं, तो आपको शिवजी के पास जाना पड़ेगा। फिर शनिदेव शिवजी के पास गए, शिवजी को प्रार्थना किया और बोला कि प्रभु, ये जो आपने मेरे को कार्य सौंपा है पृथ्वी लोक पर या स्वर्ग लोक पर, जो भी कोई जीव है उसका पाप पुण्य का हिसाब करने का, अब ये सब कार्य करते करते मेरे को क्रोध हो गया, तो क्रोध की शांति के लिए आपको मेरे को आप मेरे को कोई उपाय बताओ। अच्छा। तो फिर शनिदेव को शिवजी ने बोला कि पृथ्वी लोक पर जाओ, नर्मदा किनारा है, वहाँ मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। मेरे सानिध्य में जाके आप तपस्या करो, आपको शांति मिलेगी। नर्मदा किनारा है, कुंभी वन है और चिमरुकपुरी नगरी है। पहले के जमाने में ये बहुत बड़ी नगरी थी चिमरुकपुरी नगरी, और ये कुंभी वन का जंगल। कुंभी वन? हाँ, कुंभी वन, कुंभी नाम की वनस्पति यहाँ होती थी। अच्छा, वनस्पति। हाँ, तो कुंभी वन है, चिमरुकपुरी नगरी है, नर्मदा किनारा, वहाँ मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, तो मेरे सानिध्य में जाके आप तपस्या करो तो आपको शांति मिलेगी। फिर शनिदेव यहाँ पर आए, यहाँ कुंभेश्वर महादेव का दर्शन किया। पीछे पहले कुंभेश्वर महादेव का दर्शन किया, वो स्वयंपुर है, पंच कुबेर है, नर्मदा किनारे पर जो 5 कुबेर है इसमें के यहाँ पर है। अच्छा। और यहाँ शनिदेव ने शिव जी का दर्शन किया कुंभेश्वर महादेव का। फिर यहाँ पर दिव्य शनिदेव ने दिव्य 5000 साल तपस्या किया और नीचे जो है वो शनिदेव का शक्ति स्वरूप है। 28 साल छोटा पनौती, 17 साल बड़ा पनौती, और ऊपर ये शनिदेव। यहाँ पर शिव जी के शनिदेव में शनिदेव ने 5000 साल दिव्य तपस्या की और यहाँ शनिदेव को शांति मिली, यहाँ शनिदेव शांत हो गया। फिर इसके बाद आए राहुदेव, राहुदेव ने भी यहाँ पर तपस्या की। शनिदेव और राहुदेव की ये तपोभूमि है और शनिदेव और राहुदेव के गुरु जी शंकर भगवान है, तो यहाँ नीचे साइड पर राहुदेव का स्थान है, यहाँ राहुदेव ने भी तपस्या की। फिर धर्मराजा और यमराजा ने भी यहाँ पर तपस्या की। ये नर्मदा किनारा पवित्र है इसलिए इस जगह पर देव लोगों ने तपस्या की और देव लोगों को यहाँ शांति मिली और देव लोग यहाँ शांत हो गए नर्मदा किनारे पे। ओके ओके ओके। और पीछे कुंभेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है, पंचकुबेर, नर्मदा किनारे पे जो 5 कुबेर इसमें के यहाँ पर है,
ये मार्कंडेय ऋषि जो है मार्कंडेय ऋषि जो है 64 तीर्थ का जल लेके कुंभ में आए यहाँ पर, तो कुंभ अपने आप हाथ में फट गया मार्कंडेय ऋषि के। मार्कंडेय ऋषि घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये तो जल लेके आया था 64 तीर्थ का, तो ये क्या हो गया, तो घबरा गया। तो फिर यहाँ साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि को वचन दिया कि ये जगह पर जो भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसका दुख दर्द दूर होगा और उसकी जो भी कोई मनोकामना इच्छा होगी वो परिपूर्ण होगी, तथास्तु करके शंकर भगवान अंतर्ध्यान हुआ। और ये वो शिवलिंग है जबरदस्त, ये हजारों साल पुराना है यहाँ पर। मेरे को याद है कहाँ तक नौवीं पीढ़ी मेरी यहाँ चलती है। नौवीं पीढ़ी? अरे बाप रे। मेरे लड़के को अभी गिनू ना और मेरे को जहाँ से याद है वहाँ से, तो नौवीं पीढ़ी हमारी यहाँ पर जबरदस्त जबरदस्त हजारों साल पुराना। आशा पण आपल्याला माहिती सांगितली आहे। आता मोठा पर्वती आणि छोटा पर्वती, मोठा पर्वती छोटा पर्वती शनिदेव का सबके स्वरूप है माताजी स्वरूप। हाँ शनिदेव तो आता आपण दोन बघू। जगामध्ये छोटी व मोठी पनौतीचे एकमेव मंदिर आहे। छोटी व मोठी पनौती या अवतारात शनिदेवाने आपले शक्तिरूप दाखवलेले आहे। अशा प्रकारे दोन आपण आत्ता बघितले, छोटा पनौती मोठी पनौती आणि स्वयंभू महादेव आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही इथे नक्की या आणि अशा प्रकारचे मंदिरे परत एकदा दाखवतो। इथे हनुमान मंदिर सुद्धा आहे, आपण हनुमान मंदिर बघून घेऊया। आणि इथून जर तुम्ही बघितलं तर इथून आपल्याला नर्मदा मैया दिसते, दर्शन घेऊया आपण। नर्मदा मैयाचे दर्शन घेऊन आपण आता शनिदेव मंदिराच्या बाजूला असलेल्या काळभैरवाचे दर्शन घेऊया। काळभैरवाची ही मूर्ती स्थापित केली, काळभैरवाची मूर्ती, काळभैरवाची आणि नंतर ही स्थापित केली, ही काळभैरवाची मूर्ती आहे, ही मेन मूर्ती आहे आणि ही नंतर स्थापन केली। आतमध्ये जे आहे ते हे तुम्हाला मी दाखवतो, सोमण म्हणून म्हटलं ना तुम्हाला, हा ते हे आणि इथे स्वामींची भक्ती केलेली ते हे त्यांचे वडील स्वामीजी यांच्या पुस्तकात हे आहे, उल्लेख आहे। कुठल्या पुस्तकामध्ये? साधना मस्त पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये यांचा उल्लेख आहे। आपल्याला बाजूला स्वामी समर्थांच्या पादुका दर्शनासाठी बघायला मिळतील। चिंतन श्री हरी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त जे आहेत सोमण, त्यांचं आता घर बघूया आपण। सहावी पिढी आहे त्यांची, दोन्ही मुलगे राहतात, दोन्ही भिक्षू आहेत। सहावी पिढी आहे, सहावी पिढी आहे इथे, सहाव्या पिढीच आता हे इथे आहे, दोघे भिक्षू, अरुण सोमण रवी सोमण। मुंबई सारखा बंगला आहे, हो ना। काळभैरव मंदिराचे दर्शन घेऊन आपण आता बाजूला असलेल्या नर्मदेश्वर श्री लक्ष्मी यंत्र मंदिराचे दर्शन घेऊया। अरे हे जे आहे नर्मदेश्वर श्री लक्ष्मी यंत्र मंदिर, ये आपले बरोबर अरुण भाई आहेत, और अरुण भाई आप इसके बारे थोड़ा बताइए। ये प्राचीन मंदिर है, 150-150 साल होगा इस मंदिर को। नर्मदा का प्राचीन मंदिर है, इसमें श्री यंत्र भी स्थापित है। हाँ। और नर्मदा जी है, यहाँ श्री विद्या की उपासना भी अखंड की जाती है। 125 साल पहले यहाँ के महात्मा जो हो गए विष्णुपंत चैतन्य महाराज, ओके, उन ब्रह्मचारी थे सिद्ध महात्मा, उनके हाथ के नर्मदा जी है पूरा मंदिर है। श्री यंत्र बाद में स्थापित हुआ है, नर्मदे के पत्थर से बनाया गया नर्मदा का। और पीछे जो है वो नर्मदा मैया है। ये सप्तकल्प का धाम है, अलग अलग कल्प में सभी देवों ने यहाँ तप किया है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण यमराज शनि महाराज मार्कंडेय ऋषि, इसे सभी देवों की ये तपोभूमि सिद्ध क्षेत्र है। तीन महात्मा हो गए ब्रह्मचारी सिद्ध, विष्णुपंत चैतन्य महात्मा, नागेश्वर चैतन्य महात्मा, हरिहर चैतन्य महाराज, और चौथे चंदूलाल महाराज सोमण हमारे पिताजी हो गए। कलकोट स्वामी महाराज के परम, जो बाजू में जो अभी मंदिर में देखा वो आपके पिताजी? पिताजी, ओके। यहाँ परिक्रमावासी की भी सेवा की जाती है, जो भी संत साधु आते हैं उनको अन्न क्षेत्र भी चलता है, श्रद्धा व्रत भी यहाँ से दिया जाता है पैदल परिक्रमावासी को। तब बघितलं असं सुंदर असं मंदिर आहे, तर तुम्ही ज्यावेळेस इथे याल तेव्हा नक्की व्हिजिट करा या मंदिराला। आणि हा व्हिडिओ आता आपण इथेच थांबूया, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा आणि लोकांना शेअर करा।
भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत करू एकमेकांना बाय बाय.